Hey guys, I'm Vasudev, और आप देख रहे हैं Mix with Vasudev. So first of all, a big shout out to Shubham, Raghav, Aditya, Mohit and Amanpreet for getting the right answer. अगर आप लोग भी quiz में part लेना चाहते हैं, तो you can add me up on Instagram, link मेरे description में. तो आज हम बात करेंगे कि studio monitors और home speakers में क्या difference है और discuss करेंगे कि किस purpose के लिए उनको use किया जाता है. So let's begin. तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल घर के स्पीकर्स की बात करें तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी दैट वेन एवर यू लिसन टू इट तो आप लोगों को कभी कभार बेस बूस्टेड सुनाई देता होगा. कोई हेडफोन ऐसे होंगे जहां पे मिड्स बूस्टेड होंगे. बेसिकली इन शॉर्ट जो आपकी ऑडियो है वो आपको इनहांस्ड फॉर्म में सुनाई देती है. लेकिन जो आपके स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं दे गिव यू द फ्लैट साउंड, मतलब आपकी साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको सेम लेवल पे सुनाई दे रही हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन. सबसे कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आप लोगों ने अपना ट्रैक गाड़ी में प्ले किया होगा तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को वहां पे बेस ज्यादा फील होता होगा. दैट इज बिकॉज उनके जो म्यूजिक सिस्टम है वो लो एंड को इनहांस करते हैं, लो एंड को बूस्ट करके सुनाते हैं आपको. दैट इज व्हाई आपको वो लो एंड मिलता है वहां पे. एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडियो में जाके सुनते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स पे तो आई एम प्रीटी श्योर आप एक गाने को एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको हर एलिमेंट जो है क्लियरली सुनाई दे रहा है और आप एक एक चीज को ध्यान से सुन सकते हैं वहां पे. अगर हम नॉर्मली बात करें इवेंट्स की, पार्टीज की, तो वहां पे यूजुअली बेस क्यों बूस्टेड होता है? बिकॉज वहां पे जो गाना बजा जाता है दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. बिकॉज लो एंड जो है लो एंड हमें फील होता है एंड दैट इज द रीजन जो सॉन्ग का इम्पैक्ट है वो हम तक डिलीवर हो पाता है. लेकिन मॉनिटर्स में क्या होता है, आपके लोज, मिड्स और हाईज एकदम बैलेंस्ड होते हैं. जो आपकी एक्चुअल ऑडियो है वही आपको सुनाई देती है विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी एनहांसमेंट. सो दैट इज द रीजन हम ऑडियो रिलेटेड चीजों के लिए स्टूडियो मॉनिटर्स यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे हमें कमियां पता चलती हैं चीज में. बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अगर आप पार्टी में गाने को सुनते हैं तो आप हर एलिमेंट को ध्यान से नहीं सुन सकते, तो वहां पे क्या होता है आपकी कमियां छुप जाती हैं. सो वो कमियों को दिखाने के लिए, सो दैट हम उसको रेक्टिफाई कर पाए, हम स्टूडियो मॉनिटर्स यूज करते हैं. स्टूडियो मॉनिटर्स में आपको एक बैलेंस्ड, एक फ्लैट साउंड मिलती है. फ्लैट साउंड मतलब कि हर फ्रीक्वेंसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है विदाउट एनी एनहांसमेंट, विदाउट एनी कलर. बिकॉज जो भी आपके म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, म्यूजिक सिस्टम्स में अपना एक ईक्यू, अपनी एक प्रोसेसिंग होती है. सो दैट इज द रीजन आप देखेंगे कि आप चाहे किसी भी कंपनी के हेडफोन्स को कंपेयर कर लें, किसी भी म्यूजिक सिस्टम को कंपेयर करें, हर म्यूजिक सिस्टम में आपको एक डिफरेंट साउंड मिलेगी. लेकिन अगर आप स्टूडियो मॉनिटर्स की बात करें तो मोस्टली जो भी आप अच्छी रेंज में स्टूडियो मॉनिटर्स को देखेंगे वहां पे आपको फ्लैट साउंड, एक जैसी साउंड मिलेगी. और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप हर एलिमेंट को क्लियरली सुन सकते हैं. इसके अलावा अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो जो आपके मॉनिटर्स हैं तो वहां पे आपका XLR, TRS और RCA कनेक्शन अवेलेबल होता है. उसका रीजन नो डाउट क्वालिटी होता है, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप वो कनेक्शन यूज कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी और क्वालिटी में एक अपर एज मिलेगा. तो इन शॉर्ट अगर हम सम अप करें कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, जो स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं दे गिव यू द फ्लैट साउंड. फ्लैट साउंड मतलब बिना किसी कलर के, बिना किसी मैनिपुलेशन के आप तक साउंड डिलीवर करते हैं. और जो होम थिएटर्स, कार के स्पीकर्स, इवन आपके हेडफोन हो गए, वो हेडफोन जो है वो आपको कलर्ड साउंड देते हैं. मतलब कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन के बाद आप तक साउंड डिलीवर हो रहा है, वो ट्रैक का एक्चुअल साउंड नहीं है. सो इफ यू आर एन ऑडियो इंजीनियर या इवन आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको स्टूडियो मॉनिटर्स की बिल्कुल जरूरत है, बिकॉज यू नीड टू हेयर द साउंड एग्जैक्टली द वे इट इज. एग्जैक्टली जैसी वो साउंड है आपको वैसी सुननी है, सो दैट आप उसकी गलतियां देख पाओ, उसकी कमियां ठीक कर पाओ. एंड एट द सेम टाइम अगर आपको गाना एंजॉय करना है, अगर आपको अपने होम थिएटर या गाड़ी के लिए स्पीकर्स चाहिए तो डेफिनेटली आप कलर्ड मॉनिटर्स के लिए जाएंगे, जिनको हम लेमन टर्म्स में स्पीकर्स भी बोलते हैं, बिकॉज वो आपको साउंड एनहांस करके देते हैं सो दैट आपको गाना सुनने में मजा आए और आप उसके साथ ग्रूव कर पाओ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको नीचे कमेंट कर दो, मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा. और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट.